तो ये बहुत खतरनाक गुफा है, इसको चमगादड़ों की गुफा या बैट केव कहते हैं, ठीक है। अब भाई लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। अब और हमारे साथ भैया लोग हैं जो अभी वहां से बड़ी एक्सपीरियंस लेके हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो बहुत मुश्किल से वो बाहर निकले हैं। अब हमारी जो हिम्मत है उन्होंने थोड़ी कम कर दी है, लेकिन हम जाएंगे यहाँ पे। टॉर्च ले शिवम आके बढ़ाओ, अगवा लेके चल लेके हैं। अब ये शुरू हुई है जर्नी हमारे बैट केव की। वो यू पीपल कैन सी इट। हालांकि यहाँ पे हम चमगादड़ देख रहे हैं, दरअसल हमारा मोटिव चमगादड़ देखना नहीं है, हम देखने जा रहे हैं इस गुफा को। जो गुफा कितनी खतरनाक। हमारा कैमरा थोड़ा सा वही, रुको मैं आ रहा हूँ। बैट केव में बहुत अंधेरा है, दिख तो कुछ रहा नहीं है, मोबाइल की फ्लैश है और ये मोबाइल का कैमरा जो अभी कंटिन्यू रन कर रहा है। हालांकि मुझे लगता है जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते से आना है, लेकिन ये है बैट के भरे। मुझे दिखाओ भाई, अंधेरा है यहाँ पे, आई कैन नॉट सी एनीथिंग मैन। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ये बहुत ऊंची गुफा सी है अंदर, और पहाड़ों से पानी टपक रहा है यहाँ अंधेरे में, आपको डरावना लग सकता है। हालांकि यहाँ पे भीड़ है तो आपको दिखेगी नहीं, आप इधर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। देखिए मेरे सामने चरको आवाज निकाली, ये कीप साइलेंस बोला इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे चमगादड़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये कीप साइलेंस के लिए बोला गया यहाँ पे, लेकिन अब ये देख शिवम दिखाओ तो। हालांकि यहाँ चमगादड़ ऊपर, अरे शिवम ये देख ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखा, ये सब चमगादड़ है। अरे यार यहाँ दिखा, ये सब चमगादड़ है, चमगादड़। हम क्या आगे आगे चले, तब जोर दिखाई, आप बैग सुनिए, चलिए हमको आगे। नहीं 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 हमको आगे चलने, तुम्हारी लाइट पीछे से आएगी तो दिखेगी। छोटा रास्ता है ये भी, ये लोग कहाँ से आ गए? मोबाइल या कुछ होने सर मेरा तो बजट रह गया। बस तेरे का तो चिल्लो साथ में चल। हाँ साथ में तो तबे तो साथ में मोबाइल नहीं चल, ना साथ में साड़ी लगाए।
वैसे ही निकलोगे जैसे वो निकल रहा था, इसे वापस कुछ है नहीं, वापस ले वापस। बहुत जो पतला होगा वही निकल पाएगा, ऊपर से देखा था हमने एग्जिट इसका। यही खड़ा हो तो दिखाते रहो मैं लेता रहूं। हम देखो जरा लाइट ऊपर करना भाई लोग, ऊपर देखो ऊपर चमगादड़ छत पे। पकड़ दो बाबू, पकड़ पकड़, हल एक ही हल्का सा ऊपर करे ना, बाकी हमारा नाइट मूच कर ले। हो गए अभी रास्ते से वापस आइएगा आप लोग, ऊपर वाला रास्ता जाने लायक नहीं है, ऊपर से होके वापस आ जाना। आगे ये यहाँ का पोखरा का चमगादड़ गुफा, या इसको आप बैठ के बोल सकते हो। यहाँ खासियत ये है कि आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा गुफा में, और आपको उल्टी लटकी हुई ऊपर चमगादड़ भी दिखेंगी। मैं आपको फोटो लिए मैंने क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है, आपको पता चमगादड़ अंधेरे में ही रहती है। तो यहाँ पे भी टिकट का कुछ ऐसे ही है, अगर आप नेपाल से बाहर गए हैं तो आपको 150 रुपये एक टिकट का देना पड़ेगा। और ये टिकट के ऊपर ना एक्स्ट्रा चार्ज लेके बोल रहे हैं, मतलब जैसे कि 150 रुपये तो आपको 170 यहाँ पे देना पड़ सकता है। ठीक है,
तो चीजें हैं यहाँ पे जो आपको देखने लायक है। पीछे का व्यू तो आपको यहाँ पे नेपाल में हर जगह देखने को मिलेगा, वो काफी अच्छा है, आप देख सकते हो मेरे पीछे में। और ये मेरे साथ शिवम भाई। अब हम गए एक्चुअली क्या ना, जो एंट्री करने का रास्ता है वो काफी अच्छा है, मतलब आप जा सकते हो वहाँ पे, काफी अच्छा नहीं मतलब चट्टान है वहाँ पे भी आप जा सकते हो, लेकिन जो एग्जिट करने का रास्ता है वो जो है वो सही नहीं है, वो बहुत ही पतला सतरा सा रास्ता है। तो हम उस रास्ते से आए नहीं, क्योंकि हमारे शिवम भाई को आप देख सकते हो थोड़ा सा हेल्दी हैं, और ये समझो कि मैं भी नहीं आ पाऊंगा उतने पतले रास्ते से। तो हम जिस तरीके से एंट्री किए हैं हमने उधर ही से हमने एग्जिट कर ली है। तो अभी हम ऊपर आ गए, अंदर काफ़ी फोटो शूट किया लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था। फिर यहाँ से हमारा लंच टाइम होगा, हम जाके लंच करेंगे इसके बाद, और फिर आगे का जो भी प्रोग्राम होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ये है कि ये एक तरीके का गांव है, लेकिन यहाँ इस गांव में ये चट्टानों के नीचे एक गुफा बनाई हुई है जहाँ पे चमगादड़ ही रहती है, तो बैट केव नाम से फेमस है, आप यहाँ पे आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। जो कि बहुत अच्छे थे। तो अभी तक हमने दो गुफाएं देख ली हैं, एक अपना महेंद्र केव है जो राजा महेंद्र नाथ जी ने बनाया था, और वो 16वीं शताब्दी में उन्होंने बनाया था, और वहाँ पे वो कुछ दिन तक छुपे रहे थे अपने दुश्मनों से। और वो मंदिर जहाँ वो जो गुफा थी, वो गुफा जहाँ ख़त्म होती है वहाँ एक सिद्धि विनायक मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर वहाँ पे काफ़ी फेमस मंदिर है। वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ की वहाँ पे ना जो चट्टानों से निकल के जो जैसी बड़ी चट्टान है ना, तो चट्टानों से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, वो वहाँ एक छोटा सा कुआँ जैसा कह लो कि उसमें स्टोर होती हैं, और उसको पवित्र जल बोलते हैं। वहाँ का प्रसाद भी अच्छे, और वहाँ के जो बाबा जी हैं वो वहाँ की हिस्ट्री बता रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे से बता रहे थे वहाँ की हिस्ट्री। हमने शूट किया है, आपको दिखाएंगे। हमने उस वीडियो को भी शूट कर रखा है, और हम उस वीडियो को पहले ही डाल देंगे, आप देख चुके होंगे अगर आप ये वीडियो देख। अभी तो बहुत मज़ा आया, अभी के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हमारी ये नेपाल का पोखरा टूर है, और ये आगे बढ़ता है, हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है।